इन्होंने कहे हैं कि महाभारत में हिंदू मुसलमान से लड़ाई नहीं हुआ, सही कहे इन्होंने, सही कहे, लेकिन वो मोहम्मद गोरी कौन था, औरंगजेब कौन था, तो सुनो 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 सुनो, जो आकर के हमारे 500 हजारों साल पहले आकर के हमारे देश पर शासन किया, और शासन करने के बाद हमारे जो धरोहर थे हिंदुओं की, मंदिरें थी, सबको नष्ट कर दिया और उस पर मस्जिद की स्थापना करी। भाई ऐसी बात नहीं है, कहना तो आसान है, लेक्चर देना तो आसान है, लेकिन उस पर सोचना और बात करना बड़ा कठिन है। आज अगर मोदी जी आए हैं, अब मोदी जी के शासनकाल में राम मंदिर बनी या कोई और मंदिर बनेगा, तो आपको परेशानी किस बात की है? और रही बात सुनो, बहुत परेशानी की, आपने कब कॉमनलवाद की राजनीति, मोदी जी ने 10 साल में क्या किया है बताओ? अभी एक मुस्लिम था, मध्य प्रदेश का था, उसने कहा बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, मोदी जी फिर जीत कर कहेंगे, क्यों? उसका विचार देश के प्रति सकारात्मक है, उसको अपनी कौम के नहीं देश के प्रति सकारात्मक, ऐसी सकारात्मक सोच वाला मुस्लिम अगर देश में हो जाए तो गंगा जमुना बह जाएगी। लेकिन उसको बहकाने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी पर आरोप लगा तो देते हैं, कम्युनल बार करते हैं, ये करते हैं, वाह आप मोदी जी की तारीफ करना शुरू कर दोगे, कह देगा कल से पत्थर मारो कमरियों पे, कह देगा नवाज पर हो रोड पे, और जो युवा को पत्थर देगा मारने के लिए, तब तो आप खुश हो जाएंगे। तारीफ नहीं करता था, तारीफ कर रहा हूं, पहले कोई बुराई भी नहीं करता था। सुनो, तुम ये कह रहे हो मोहम्मद गोरी औरंगजेब मंदिर बन रहा तो क्या दिक्कत है, चलो बता देता हूँ। भारत में है 2 मिलियन से ज़्यादा मंदिर, 20 लाख से ज़्यादा मंदिर हैं, 3 लाख से ज़्यादा मस्जिदें हैं भारत में, जो कि पूरी दुनिया में नहीं है कहीं भी। दोनों का डेटा पूरी दुनिया में, जितने इस्लामिक देश हैं उसमें इतनी मस्जिद नहीं है, और जितने हिंदू देश थे 2-4 हैं उनमें इतने मंदिर नहीं है। 20 लाख, चलो मस्जिदों में तो कोई चंदा पंदा का जो डेटा है वो ना के बराबर है और आता भी नहीं, लेकिन मंदिरों का डेटा ना, अभी 16,000 मदरसों को यूपी में बंद करने की चल रही है, वो 13,000, और वो फंडिंग कहाँ से विदेशों से हो रही है? भाई क्या बोल रहे हो तुम, कहाँ से बोल रहे हो तुम, सुनो कहाँ बोल रहे हो तुम, कुछ सोच समझ के बोलो, सोच समझ के बोलो। मस्जिदों में फंडिंग आती है, विदेशी फंडिंग आती है, ठीक है, सरकार उस पर मुकदमा करे, कार्रवाई करे, ध्वस्त कर दे, और कुछ भाई सरकार सो रही है विदेशों से फंड आ रहा है तो। बाहर से NFIA आ रहा है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, अगर विदेश से कोई इनकम आ रही है और वो सरकार की निगरानी में नहीं है, उस पर टैक्स नहीं जा रहा, तो भी सरकार का फेलियर है, एक बात। दूसरी बात, मंदिरों से 20 लाख मंदिर हैं देश में, ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, ज़्यादा ही है इससे, 100 मंदिर ऐसे हैं भारत में जिसका बजट भारत सरकार से भी दोगुना है। भारत सरकार पूरे देश को चलाने के लिए जितना पैसा लगाती है उसका दोगुना बजट देश के 100 मंदिर, यानी हर एक मंदिर पे इतना चंदा आ जाता है, इतनी चढ़ाई आ जाती है। देश में हिंदुओं की संख्या 97 करोड़, फीसदी में आते हैं 80 फीसदी, और 80 फीसदी में गरीब हिंदुओं की संख्या 55 फीसदी। उन हिंदुओं के लिए सनातनी सत्य है ना, देश में सनातन की जय है, देश हिंदू राष्ट्र की ओर है। मैं बताऊँ, उन लाखों रुपये के चंदे का गरीब हिंदू को क्या फर्क, क्या फ़ायदा मिलता है? और मैं कह रहा हूँ, अगर वो मंदिर चाहें मात्र 3 महीने के अंदर देश के हर एक गरीब से गरीब हिंदू को करोड़पति बना सकते हैं चाहें तो, मगर क्योंकि वो कुछ मंदिर उसमें सरकार के अधीन हैं जिसमें सरकार पैसा डकार देती है, और कुछ उद्योगपति, ठीक, और देश में सारा पैसा सिर्फ चंद लोगों के हिस्से ही आता है, ठीक है, मंदिर से तकलीफ नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर जो देश को ठगा जा रहा है उससे तकलीफ है, ठीक। अब रही बात इसकी, भाई मोहम्मद गोरी और दूसरी चीज़ें तुम कह रहे हो, मोहम्मद गोरी, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, शिवाजी, इन सब का झगड़ा राजनीतिक था, धार्मिक नहीं था। औरंगजेब ने मंदिर भी तोड़वाए, मस्जिद भी तोड़वाई, इतिहास पढ़ लेना, और किस लिए तोड़वाई? क्योंकि उसे पता होता था पहले के लोग मंदिर और मस्जिदों के नीचे खजाने छुपा कर रखते थे, तो राजा को सिर्फ देश की इकोनॉमी, ठीक, पहले इकोनॉमी कैसे पता चलती थी? कोई भी राज्य स्ट्रांग कब होता था कि उसके पैसा तो चलता नहीं था, जिस पे जितने हीरे मोती जवाहरात होंगे और जितनी बड़ी सेना होगी वो उतना मजबूत शासक होगा,
और ये मजबूती देश के मंदिरों में खजाने मिलते थे, देश की मस्जिदों में मिलते थे, क्योंकि भारत एक भैया सिंधु घाटी सभ्यता का देश है। यहाँ पर शुरू से मूर्तिकारिता चली है और शुरू से पूजन का चला है, तो ज़्यादातर खजाना मंदिरों के नीचे था, इसलिए मंदिरों की टूटने की संख्या बड़ी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, उसके पीछे किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना नहीं था। ठीक, अब रही बात इसकी, अरे आप बता देना। ठीक है, अब औरंगजेब एक राजा के तौर पर सोचता था, अगर औरंगजेब वास्तव में धर्म का विरोधक होता तो उस समय का वो क्रूर शासक था, ऐसा शासक था कि वो चाहता तो क्या नहीं करा सकता। एक झूठी अफवाह चलती कि 90 लाख हिंदुओं का जनेऊ जलाता था, ठीक है, 10 लाख हिंदुओं का, ठीक है, तब जाके वो शाम का खाना खाता था। ठीक है, जो भी है, उस टाइम पर टोटल पॉपुलेशन भारत की जो थी वो भैया 15 करोड़ थी। ठीक, और 15 करोड़ में औरंगजेब का जो शासन रहा है, ठीक है, 48-49 साल शासन रहा। ठीक, उतने साल में हिंदू बसता क्या भाई? फैक्ट पे आओ ना भाई, तुम जो किताबें पढ़ रहे हो वो कौन है? वो किताबें लिखने वाले आरएसएस विचारक लोग, वो कौन है? वो हिंदू धर्म के अनुयायी लोग, वो कौन है जो दूसरे धर्म से नफरत रखते हैं? एक बार किसी सेक्युलर की किताब पढ़ना, एक बार देश के ओरिजिनल इतिहासकार की किताब पढ़ना, दिमाग से धर्म निकल के यूं भागेगा। ठीक है, उसकी किताब पढ़ो ही मत जो पहले से वाइज है, किताब उसकी पढ़ो जो इधर का है ना उधर का है, जिसने न्यूट्रल लिखा है। महात्मा गांधी भी विलन है किसी किसी के लिए, लेकिन किसके लिए? जो आरएसएस का और नाथूराम गोडसे का समर्थक है। अगर नाथूराम गोडसे के समर्थक ने किताब लिखी है ना, तो उसके लिए महात्मा गांधी बहुत बड़े विलन है, जबकि पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका पूछता है महात्मा गांधी को, ब्रिटेन पूछता है महात्मा गांधी को, रशिया पूछता है महात्मा गांधी को, भारत के दुनिया के बड़े बड़े देश महात्मा गांधी का पूजन कर रहे हैं, और हमारे देश के आरएसएसवादी लोग जो महात्मा गांधी का विरोध में लिखते हैं, अब उनकी किताब पढ़ के कहो कि महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया, महात्मा गांधी ने नेहरू को जबरदस्ती बना दिया, महात्मा गांधी ने ये कर दिया वो कर दिया। ठीक वैसे ही गलत बात है जैसे मोहम्मद पैगंबर के बारे में चलता है कि मोहम्मद पैगंबर ने 9 साल की लड़की से विवाह कर लिया, आयशा से। ठीक, और उसी तरीके से चलता है भगवान राम के बारे में, अगर तुम एक पक्ष पढ़ो, भगवान राम ने 15 साल की आयु में 6 वर्ष की सीता से शादी की थी, पढ़ा नहीं होगा आपने, लेकिन भगवान, अब देखो भगवान ने 6 वर्ष से करी, एक पैगंबर ने 9 वर्ष से करी, ना पैगंबर के वक्त तुम मौजूद थे, ना राम के वक्त हम मौजूद थे, भगवान की लीला भगवान जाने। हम आज कई 100 साल बाद इस बात पर बहस करें कि उनने शादी करके गलत किया, तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है और हम झगड़ रहे हैं उसको लेके? भाई उन्होंने उस हिसाब से जो बेस्ट होगा उस टाइम का उन्होंने वो डिसीजन लिया, महात्मा गांधी ने अपने टाइम का बेस्ट डिसीजन लिया, आज हम क्या डिसीजन लेते हैं? इतिहास, अगर किसी व्यक्ति को खुश रहना है तो वो वर्तमान में जिए, भूतकाल को अपने बीते हुए समय को याद करके या तो इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है या बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो अगर हम पिछली घटनाओं को देख कर आज भी लड़ रहे हैं तो हमसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। पीछे जो हुआ सो हुआ, किसी ने मंदिर तोड़ा मस्जिद तोड़ा, लेकिन एक एक्ट भी है सुप्रीम कोर्ट का और कानून के अंदर है कि जो पहले से पहले हुआ सो हुआ, लेकिन 47 के बाद जो चीज़ जैसी है वैसी ही रहेगी, उसको नहीं छेड़ा जाएगा ताकि आगे झगड़ा ना हो, ये कानून इसलिए आया। लेकिन स्टिल ये सरकार आती है और ये पिछले गड़े में मुर्दे उखाड़ती है और देश में कम्युनलवाद बढ़ाती है, तो भाई गलती किसकी है? हमें झगड़ने की जरूरत नहीं है इन मामलों में, देश बड़ा है और देश में मंदिर मस्जिद की कोई हैसियत नहीं है तिरंगे के आगे। ठीक है, तिरंगा सर्वोपरि है और देश की सेना सर्वोपरि है। अगर हम देश में एक तिरंगे के नीचे खड़े होना सीख जाए ना, हमारे दिमाग से मंदिर और मस्जिद निकल के साइड फेंक जाएगा। गलती यही है कि तुम तिरंगे की जगह भगवे के नीचे खड़ा होना चाहते हो, मोदी की गलती है कि तुम तिरंगे से ज़्यादा बड़ा भगवे को मानने लगे हो। ठीक है, और कोई